जालौर में सनसनीखेज के अपहरण की वारदात सामने आई है, जहां स्टेट बैंक की मित्र शाखा में कार्यरत एक 19 वर्षीय युवती को कार सवार युवकों ने अगवा कर लिया है। अपहरण की इस वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया है। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी समेत महकमे में आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से मामले की जांच में जुट गए हैं। मामला माधवगढ़ कोतवाली क्षेत्र का है, जहां के चितौरा गांव की रहने वाली साधना सिंह माधवगढ़ स्थित स्टेट बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र पर प्राइवेट नौकरी करती थी। सुबह के वक्त वह स्टेट बैंक ग्राहक सेवा केंद्र में नौकरी करने के लिए घर से निकली हुई थी। जैसे वो अपने गांव से आगे पहुंची, तभी कार सवार अज्ञात बदमाशों ने उसको रास्ते से अगवा कर लिया। इस घटना के बारे में तब जानकारी हुई जब अगवा युवती की मौसी ने घर परिवार के लोगों को जानकारी दी, क्योंकि घटना के वक्त युवती अपनी मौसी से बात कर रही थी। दिन दहाड़े हुए युवती के अपहरण की जानकारी से इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी मिलते ही जालौन के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ईरज राजा माधवगढ़ पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, जहां पर युवती का बैग भी मिला है, जिसको पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। संबंध मामला संज्ञान में है, क्या मामला सब हुआ? ये आज सुबह का मामला है। लगभग 8:30-9 बजे के मध्य सूचना मिली थी कि 19 वर्षीय लड़की, जो कि थाना माधोगढ़ क्षेत्र की रहने वाली है, उसके परिजनों ने सूचना दी थी कि उसने फ़ोन करके बताया है कि कोई उसको लड़के ले गए हैं। तो इस सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए सभी लोगों के द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया है। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से चीज़ें देखी जा रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें उल्लेखनीय ये है कि लड़की के पिता जो हैं, ये कुछ समय पहले, लगभग 10-12 दिन पहले, एक प्रकरण में, महिला संबंधी प्रकरण था, पॉक्सो का मामला था, जिसमें वो जेल में इस समय निरुद्ध हैं और उनको जेल भेजा गया था। और आज ये घटना प्रकाश में आई है, तो इस पर हम लोग सभी संज्ञान लेकर कार्रवाई इसमें की जा रही है। सभी पहलुओं पर हम जांच कर रहे हैं। बहुत ही जल्द घटना का सफल अनावरण किया जाए।